समाज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया है। छात्र नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोकने के लिए गोली भी चलाई है। बवाल में पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत 6 छात्र घायल हुए। छात्र फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं छात्रों ने बाइक में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल से बाहर आ गए हैं। छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की है। सूचना मिलते ही अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुल्हरी पुलिस बल के साथ कैंपस में पहुंच गए हैं। पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, हमारे एक सीनियर है विवेकानंद पाठक जी, वो यहाँ पे आज बैंक आए थे, पर गेट खुलने का थोड़ा कहा सुनी हुई, उसके बाद मामला शांत हो जाता है। कुछ देर बाद 12-15 गार्ड आते हैं, उनके सर पे पत्थर के बार करते, लाठी डंडों से वार कर देते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। उसके बाद छात्र जाते हैं तो उधर गोलीबारी की जाती है, पथराव किया जाता है। हमारे तक 25-30 साथियों के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गया है, पत्थरबाजी है, पुलिस के सामने गोलीबारी की गई है। सोचिए आपकी किस तरह से यहाँ कंपनी एक्ट लागू हो गया है, यूनिवर्सिटी में कंपनी राज चालू है, जैसे अंग्रेजों के समय होता था उसी प्रकार आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फायरिंग पुलिस, ये गार्ड जो यूनिवर्सिटी गार्ड है, खुले हम फायरिंग पुलिस सामने कर रहे थे, पुलिस ऊपर कर रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। सत्यम गार्ड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, साथ ही साथ 10-15 और छात्रों पे जानलेवा हमला हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने हमला किया है। और जबकि असिस्टेंट प्रॉक्टर जो है वो आए थे, बातचीत हो गई थी, सारे लोग वापस जा चुके थे, हम भी अपना आराम से यहाँ पर छात्रों के साथ बैठ के बातचीत किए हैं, लेकिन गिरोह बंद ढंग से ये लोग पूरा साजिशन जानलेवा हमला करने आए थे। विवेकानंद पाठक। ठीक है। हाँ सर, क्या घटना हुई थी और क्या इस समय हालात हैं? ये इंद्रजीत बाहर आ रहा तुम्हारा यार, क्या करते थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं छात्र संगठन के पास, यहाँ पे सभा के शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने की कोशिश की जा रही है, इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, वजह पता चली किस बात में? अब पूरी तरह नियंत्रण है, क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है, तो फिर अभी मैं और चीज़ें क्लियर कर बताता हूँ। प्रथम सूचना इतनी है कि गार्ड्स और पीछे करें उसके बीच में किसी बात को लेकर झड़प। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल जो है उसके उसका है नियंत्रण कर लिया गया है और फायर की गाड़ी आ गई है, हमने उसको नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा करके गार्ड द्वारा गोली भी चलाई गई। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है।